अच्छा जी, लाक लान लगे हैं, हूँ जा रहे हैं असी। तो मैं पानी कूलर चो, प्याज काफ़ी लगी है, ध्यान दे पीला ही दुध पा लिया वा, ये नाल ले लें तो हम चल रहे हैं। मिस्त्री भाइयों सवारी वगैरह सारे लोग कर दिते हैं, मार जा के गड्डी बैठ गया वा, सर से मिस्त्री भाई लगे हैं, इन्होंने पापा ने लाक वगैरह लगा दिते है, तो हम गड्डी इस जगह शामे खड़ी की निकालन लगे। मम्मी बैठ दी है, सर ते परदी प्लस्तर हो रही है, ते अदन दे पापा ने सानू छोड़ के फिर वापस आ जाना। उमार गाड़ी चला रहा है, मार बुरी बात, आप अभी छोटे हो, ऐसे ही ना मार। अच्छा जी, मार दा घूमन फिर उन्होंने बहुत ज्यादा दिल करता, मार इस तरह ही जान, मुझे जगह दे दो, जन खड़े हो जाओ, जन खड़े हो जाओ, जन खड़े हो जाओ, मां। अच्छा जी, मां ने ले लिए टोपी, जान बुरी बात। अच्छा भी जान अभी छोटा है, बहुत शरारती करता है, ऐसे ही ना जान। अच्छा जी, ये जो हमने लगाई हुई है ना, पुतनी से क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो इससे ना। अच्छा जी, पापा ने गाड़ी निकालने लगे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी मेरे देखने वाले बहन भाई, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे जी। आज का व्लॉग बड़ा ज़बरदस्त है और शुरू से लेकर आखिर तक देखना, दुआओं में याद रखना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और कमेंट्स ज़रूर करना, थैंक यू। अच्छा जी, गड्डी निकाल लिया, हम असं चल रहे हैं, एल ईडी दीवार ना इट वटा रखवाया ना, इसी तो चुकवा देना प्यारा लगता, वैसे एक गल तो ठीक है, प्यार रहे ना, गेट खुला की था, कि मेरा ही खुला होना, मां ने लाया नहीं सी ना। फिर मैं सोचा अज मैं जानी, उन्होंने भी मेरे नहीं आना है, उन्होंने फिर कहना बाबा जी इन्हों को टाइम नहीं, साढ़े को नहीं टाइम, तो घरों घर सारे को इस तरह वा, तो मैं इस तरह के रिश्ते होंगे, अगर सगिया भैन वा इन्होंने मैं नहीं जाती, फिर उन्होंने मेरे ही नहीं आना है, मैं इस तरह कर दी हाँ कि दोनों कोई हो के आदि हाँ, तो उन्होंने अगर भी कह रहे हैं कि साढ़े को नहीं आए, हल्का आई नहीं है, तो इस करके मैं हूँ जा रही हाँ। तो फिर इस तरह बंदे ना थोड़ा थोड़ा ना जाने की वजह तो बंदे च फिक पै जाता वा, रिश्तेदारियाँ समझ लगी खत्म होने वालू शुरू हो जाए वा, इस तो उत्ते कि रिश्तेदारी है जो असं नहीं आना जाना, तो फिर अगलिया ने भी तो नहीं है, तो करीबी रिश्तेदारी है ना। हाँ जी, ते भैणा भका भैणा भरावां बगैर भी गुजारा नहीं है, छड्डिया भी गुजारा नहीं है, मसरूफ तो हूं बंदा इना जिंदगी च हो गया के टाइम ही कोई नहीं है, जिन्हू मर्जी पूछ लो कहना मेरे को टाइम नहीं है, पिंड कोई किसी पुछ रहा ना टाइम ही नहीं लगता, टाइम ही नहीं लगता, मैं कहा टाइम किसी का भी नहीं लगता, अगर किसी मिलने की चाह तो टाइम कढ़ना पैंदा वा, तो मैं कहा साडी तो मसरूफियत यह ज्यादा वा कि साडे लगे हुए मस्तरी मजदूर, वैसे बंदा टाइम कढ ही लैंदा वा, तो मैं कहा तुसीं दसो तुहाडा की मसरूफियत है, बस टाइम ही नहीं लगता, मैं कहा भाई टाइम लगता वा, असी तो साडी तो यह मसरूफी है, तो मैं तो दस दी हाँ कि असी घर खुला छड़ के नहीं निकल सकते है, तो मैं कहा हांडी रोटी का कोई नहीं हुंदा, बंदा इचो टाइम कढ लैंदा वा,
ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 98 ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਫਤਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਰੂਫ ਹੋਣਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਨ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ ਰੇੜੀ ਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੰਦ ਦੇਈਦਾ ਸੀ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹੀ 75 ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚੰਗੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਖੁੱਲਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਵਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਆ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਨ ਖੜਾ ਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਭਾਈ ਅਸਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਆ ਇਹ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਅਸਫ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲ ਲਿਓ
ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਲਓ ਆ ਕੇ ਆ ਬੈਣਾ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਬੈਣਾ ਮਿਲ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਵਾ ਨਾ ਚਲੋ ਆ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਖਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ दूसरी तरफ मिला चलता पिया अच्छा जी बच्चे मोबाइल ते आजकल बहुत शौक ना गेम देख रहे ने देखो सारे बच्चे जिन्हें सब गेम देख रहे ने हाँ जी तुसी कौन कौन आए हो अच्छा सही है ते तेरी मम्मा पापा वो नहीं आए अच्छा तो मेरा ज्यान नू तो खिलाओ ज्यान क्यों रोंदा ज्यान की कहंदा सही है अच्छा जी सभी मेहमान आने शुरू हो गए हैं केड़ी छोटी भाई ने तो दो दो पखे लवाए हुए वो फिर इस तरह ना कि ये पंखा जरा ना वो फिर हवा देंदा वा हां जी बंद करके ये गड्डियां जड़ियां तुसी बड़े बड़े डॉक्टर है ना सुलझे हुए जड़े बोलो ऐसा डर दिया हम आपसे रोजाना टेलीफोन पे बात करते हैं बड़ी लगी है तू बस 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 हेलो